प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर, और आज की वीडियो में हम जेनेरिक G21 वर्कशीट को पढ़ने समझने डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी सामान्य वर्कशीट है, तो इसे आप अपनी सामान्य वाली जेनेरिक वाली कॉपी में करेंगे और अपने क्लास टीचर को सेंड करेंगे, ठीक है। ये वर्कशीट आपकी क्लास 7, क्लास 8 यानी कि दोनों क्लासेस के लिए हैं 30 जुलाई की। तो आज की वर्कशीट में कुछ हम नया सीखने समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। तांता मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि लाइन लग जाती है। सावन का महीना आजकल चल रहा है, तो आजकल प्यारे बच्चों सावन का ही महीना चल रहा है। बहुत सारे बच्चे फास्ट भी रखते होंगे, तो सावन के महीने के आते ही हमारे देश भारत में बहुत सारे त्यौहार फेस्टिवल लाइन से आने लग जाते हैं, चाहे वह हमारे लोक पर्व हों चाहे वह राष्ट्रीय पर्व। यानी कि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो गाँव में मनाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं लोक पर्व, और चाहे वो राष्ट्रीय पर्व यानी कि पूरा देश जिन्हें मनाता हो, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सारे क्या हैं, आपके राष्ट्रीय पर्व हैं। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित है। साहिल आपकी ही तरह एक बच्चा है जो कि तीज के अवसर पर, तीज भी एक त्यौहार है। तो प्यारे बच्चों, आप में से कितने लोगों के घर में तीज मनाई जाती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तीज के अवसर पर बहुत एक्साइटेड रहता है, क्यों? क्योंकि उसे दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। और भी तीज के फेस्टिवल में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं आपके घरों में। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लाता है, और दादाजी के साथ जाता है कि चलो दादाजी मेरे साथ और मुझे पतंग दिलाएं, और क्या करता है, बहुत सारे कलरफुल पतंगे लेके आ जाता है। क्योंकि अब हमारे भारत में पतंग उड़ाने का भी एक अलग त्यौहार है, और काफ़ी सारे त्योहारों में, अलग अलग त्योहारों में पतंग उड़ाई जाती हैं, तथा पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। जैसे पतंग ले आता, बहुत सारी उधेड़ बुन यानी कि सोच में डूब जाता है, पतंगों के बारे में सोचता है, बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं। तो चलिए, कौन कौन से उसके मन में सवाल आते हैं हम इस वर्कशीट में जानते हैं। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने पहला जो टास्क है वो ये है, अपनी पसंद की एक पतंग बनानी है आपने। यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे आप, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, यहाँ पे, और पतंग आप उसे बना के उसमें कलर भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये साहिल और उसके यहाँ पर कुछ दोस्त भी हैं। देखो, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, तो सारे क्या कर रहे हैं, ये पतंग उड़ा रहे हैं। इसी तरह से आप भी पतंग उड़ाने के शौकीन होंगे ज़रूर। पहला सवाल, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती हैं? आमतौर पे बच्चे पतंग उड़ाते ही रहते हैं, लेकिन दिल्ली में खासकर कब उड़ाई जाती हैं? 15 अगस्त, यहाँ पे लिखो गया 15 अगस्त को, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे छतों में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पूरा लिखोगे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस में मनाई जाती है, सॉरी पतंग उड़ाई जाती है, और मकर संक्रांति को भी, है ना, तो मकर संक्रांति को भी उड़ाई जाती है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, दिल्ली में पतंग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और मकर संक्रांति को उड़ाई जाती है, यहाँ पे लिखोगे। दूसरा सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम भी लिखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर चार राज्य दे रखे हैं, पहला है आपका राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल और चौथा हरियाणा। तो अलग अलग राज्यों में भी पतंग उड़ाई जाती है और अलग अलग त्यौहार में। तो चलिए, यहाँ पर लिखोगे आप राजस्थान, ये राज्य है, इसे राजस्थान करोगे, यहाँ पर उड़ाई जाती है मकर संक्रांति को, ठीक है, तो आप लिखोगे मकर संक्रांति। और सेम यहाँ पर भी गुजरात में भी मकर संक्रांति पे उड़ाई जाती है, केरल में थोड़ा सा अलग है, केरल का बहुत अच्छा त्यौहार है और वो है पोंगल, तो आप केरल में पोंगल लिखोगे, और हरियाणा में लिखोगे बसंत पंचमी, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप बसंत
और साथ में लिख दोगे पंचमी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति और केरल में पोंगल, हरियाणा में बसंत पंचमी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, पतंग नंबर एक में कितने वर्ग हैं? तो प्यारे बच्चों, वर्ग आप जानते हैं, ये वर्ग होता है, और चलते हैं पतंग नंबर एक को देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। ये है आपके पास पतंग नंबर एक, और इसे और जूम करते हैं, इस पतंग में देखते हैं कितने वर्ग। देखिए, 1 2 3 4 5 बॉक्स इस साइड हैं और 1 2 3 4 5 बॉक्स इस साइड हैं। तो बेसिकली इसमें 5 × 5 5 × 5 = 25 है। ठीक है, वैसे इसमें जो बेसिकली 25 है, और अगर आप और इसमें वर्ग गिनना चाहोगे तो एक ये भी अपने आप में बड़ा वर्ग है। ठीक है, आप एक ये वर्ग है आपका, इसी तरीके से आप ऐसे देखोगे भाई एक आपका ये भी वर्ग है, तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसका आंसर लिखोगे 25। पहले वाले में कितने हैं? 25 वर्ग हैं। और दूसरे में देखते हैं, इसमें 25 वर्ग हैं। पतंग नंबर दो में कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए, पतंग नंबर दो हमारा कहाँ है? ये हमारा पतंग नंबर दो है, और इसमें आपने गिनने हैं त्रिभुज। त्रिभुज आप जानते हैं ना, ट्रायंगल कहते हैं। अब देखो, एक ट्रायंगल आपका ये वाला है, एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है, एक ट्रायंगल ये यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, तो कितने हो गए? 4। तो आइए देखते हैं, और भी इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल यहाँ से और यहाँ तक पूरा हो गया। चलिए मैं चेंज कलर कर देता हूँ। एक आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसी तरीके से एक आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो 4 और 4, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसमें 8 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, पतंग उड़ाने के संबंध में आप अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। आप भी पतंग उड़ाते होंगे, तो यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना, अनुभव बताना है कि आपको पतंग उड़ाते समय कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, मैं अपना नाम लिखोगे, मैं भी पतंग उड़ाता हूँ, उड़ाने का शौकीन हूँ, उड़ाती हूँ, और मैम 15 अगस्त को उड़ाते हैं, बसंत पंचमी को उड़ाते हैं, मकर संक्रांति को, जब भी उड़ाते हैं। लिखोगे कि मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। साथ में आप बताओगे कि पतंग को दूसरे की पतंग काटने में आपको अच्छा लगता है, जब आपकी पतंग कट जाती है तो आप बड़े रोने लग जाते हैं, आप कितने सारे पतंग लेके आते हैं रंग बिरंगे। जो भी आप पतंग के बारे में लिख सकते हो, आप यहाँ पर उसे लिखेंगे। और अगला जो सवाल है वो ये है, हमें पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि पतंग उड़ानी ही नहीं चाहिए। बहुत गंदी आदत होती है पतंग उड़ाने की। इस पतंग उड़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोग छतों से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कई बार पतंग की डोर पे हाथ भी कट जाती है। कई बार आपने देखा होगा पतंग की जो कन्नी होती है, वो जो डोर होती है, वो बहुत हार्ड होती है, और उससे क्या होता है, चिड़िया पक्षियां भी मर जाती है, वो फंस जाती है उसमें। तो पतंग उड़ानी ही नहीं चाहिए। आप यहाँ पर सावधानी लिख सकते हैं कि पतंग, तो पहली बात तो है कि पतंग उड़ानी ही नहीं चाहिए, और अगर आप उड़ाते हैं तो आपको छत ऐसी वाली होनी चाहिए जिसकी बाउंड्री हो। आप एक बाउंड्री वाली छत में ही पतंग उड़ाएंगे, किनारे नहीं जाएंगे। साथ में जो जब आपकी पतंग कट जाती है तो उस डोर को आप जला दीजिए, उसको आप कूड़ेदान में वगैरह इधर उधर मत फैलाइए, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये है आज की वर्कशीट, और साथ में एक गाना भी साहिल का आपके लिए है। मैं भी इसे गाता हूँ और आप भी इसे ज़रूर गाएंगे, साहिल की कविता। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कभी ढील देते हैं कभी खींच लेते हैं ना, कट जाने पर हाथ ना आती। अच्छी कविता है ना। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच दो, कट जाने पर हाथ ना आती। कैसे लगी कविता, जरूर कमेंट करके बताना। और आप भी एक छोटी सी कविता लिख करके अपने क्लास टीचर को जरूर सेंड करेंगे, और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।